myself Dr. Samir Kumar, Biology Faculty of Royal Institute. बेटा सेल बायो टॉपिक को अपने पूरा किया था, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नीट में अपने आए हैं उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल रिपीट क्वेश्चंस कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट उनके पीछे होता है। अपन हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी ईयर में आए अपन सॉल्व कर पाए। जैसे नीट 2017 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकाने की विशेषता प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का बेसिक सार है कि स्टिकी नेचर कौन दे रहा है, चिपचिपा कौन बना रहा है जीवाणु को, क्यों एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से जाके चिपक जाता है या फिर वो दीवार से जाके चिपक जाता है या किसी वॉल से जाके चिपक जा रहा है, हमारी बॉडी की सरफेस से आके चिपक जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टिकी नेचर पूछना चाह रहा है। आपको पता है कि पहला इसमें मतलब क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शंस पे नजर डालना जरूरी है। केंद्रक झिल्ली तो हो नहीं सकता, बिकॉज आपको पता है जीवाणु प्रोकैरियोट का मेंबर है, प्रोकैरियोट के अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए तो आप उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो मींस ओल्ड टाइप, कैरियोटिक जिसके पास केंद्रक होता है, ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, या यू बोल सकते हैं कि लेस डेवलप न्यूक्लियस, अल्प विकसित केंद्रक जिनके पास होता है उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। और अल्प विकसित शब्द इसलिए दिया गया है बेटा कि केंद्रक झिल्ली उनमें नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं होती। अब बचे तीन आवरण, तो आप याद करो जब मैं प्रोकैरियोट पढ़ा रहा था बेटा, ये कोशिका भित्ति है और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है जो बीच बीच में इस तरह के कुछ इनर फोल्ड बनाती है, यही इनर फोल्ड आगे जाकर मीजोसोम कहलाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और सबसे बाहर मैंने बनाई थी बेटा एक लेयर जिसको आपने कहा था ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो कि पॉलीसेकेराइड से बनी हुई एक लेयर है जो सबसे बाहर की तरफ मिलती है, याद करो मैंने बताया था बेटा। और इसमें दो रूप होते हैं, मे बी ये सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, ठोस रूप में हो सकती है, या फिर ये तरल रूप में भी हो सकती है, इसको आप सेमी सॉलिड बोल सकते हो, उस फॉर्म में होती। ठोस अगर है तो इसके लिए वर्ड यूज किया था संपुट कैप्सूल वर्ड, और इसके लिए यूज किया था हमने बेटा अवपंक परत, इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइम लेयर, याद है ना आपको। कैप्सूल किससे रिलेटेड था आपको पता है बेटा, कैप्सूल रिलेटेड था सुरक्षा से, प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, और ये स्लाइम लेयर रिलेटेड थी एग्रीगेशन से। एग्रीगेशन का मतलब है बेटा समूह बनाने से, कि जीवाणु आपस में चिपक के समूह बना लेते हैं, ठीक है। स्टिकी नेचर प्रोवाइड कर रहा है कौन, ग्लाइकोकैलिक्स का एक रूप, तरल रूप, स्लाइम लेयर। तो हमारे पास क्या ग्लाइकोकैलिक्स ऑप्शन में है, यस, तो करेक्ट आंसर इज 3 ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वो एक ऑप्शन ग्लाइकोकैलिक्स होता और बेटा एक ऑप्शन स्लाइम लेयर होता, अवपंक परत होता, तो ज्यादा बेटर आंसर हो जाता स्लाइम लेयर, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स के दो रूप है, ठोस और तरल, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, मतलब जिसको आप लिक्विड फॉर्म में भी मान रहे हैं, जो स्टिकी नेचर प्रोवाइड करा रहा है, जो उसको चिपचिपा बना रहा है, चिपकने में हेल्प कर रहा है वो। तो हमारा आंसर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली, और इससे कोई स्टिकी नेचर है नहीं, बल्कि ये तो बेचारा पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बनता है। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो नीट 2017 का ही है, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बेटा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एटीपी किससे, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमारा शरीर ऊर्जा किस रूप में मांगता है, एटीपी के रूप में। बॉडी की डिमांड है एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अब एनर्जी के लिए एनवायरमेंट से किसको इंटेक करते हैं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करते हैं, आप लोगों को पता होगा फूड की फॉर्म में, या फिर आप प्रोटीन को इंटेक करते हो, या फिर आप लिपिड को इंटेक करते हो। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली ये तीन हमारे लिए श्वसनीय पदार्थ है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जिनको तोड़कर हमें एनर्जी बनानी है, राइट बेटा। इन तीनों को तोड़कर इनसे निकलती है एटीपी, और एटीपी बनाने का काम इन तीनों से करेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा पाइरूविक एसिड में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर उससे एनर्जी निकलेगी। ऐसे प्रोटीन पहले अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड को आगे और तोड़ा जाएगा, ऐसे हम लिपिड को ब्रेक करेंगे फैटी एसिड में, फिर उनको तोड़ा जाएगा, फाइनली टारगेट है एटीपी बनाना, और एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया को दिया हुआ है। इसीलिए तो बेटा जब अपन पढ़ रहे थे तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या लिखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को लिखा था एटीपी फैक्ट्री, एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल, एटीपी बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। सबसे सक्रिय कोशिकांग, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कोशिकांग, पावर हाउस ऑफ सेल, बैटरी ऑफ सेल, ये सब आपने किसको दिया, ये सब नाम आपने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था।
क्योंकि वो एटीपी बना सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? सूत्रकणिका, क्योंकि सूत्रकणिका को तो आप क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्लियर है ना मेरे भाई? राइबोसोम इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि राइबोसोम तो क्या बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। हरित कवक क्या बनाएगा? ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, O2 CO2 का बैलेंस बनाएगा, पादपों के लिए भोजन बनाएगा। और लयन का है जिसको आप बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर भरे होंगे एंजाइम, और एंजाइम क्या करेंगे? अपघटन, पाचन करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो ऊर्जा कौन बना के देगा हमें? ये माइटोकॉन्ड्रिया बना के देगा, इसलिए यहां इस कंडीशन में आंसर लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, आंसर को ऑप्शन को जानो और आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु में डीएनए प्रतिकृतिकरण कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, कंफ्यूज करने के लिए जीवाणु डाल दिया है मेरे भाई, कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया? जीवाणु। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि हमें रटाया जाता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। क्या हमने पढ़ा? हाँ हमने ऐसा ही पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। एस फेज जो कि किसका पार्ट है बेटा? माइटोसिस का पार्ट है। एस फेज जो कि किसके अंदर भी होता है? मियोसिस में भी होता है। एक बार इंटरगाइनेसिस में तो नहीं होगा, लेकिन पहले तो होगा ना बेटा, तो मियोसिस में एक बार होता है, माइटोसिस में भी होता है बेटा एस फेज। लेकिन आपको पता है बेटा जीवाणु का विभाजन क्या है? ए माइटोसिस का है। किसका बेटा? ए माइटोसिस। असूत्री विभाजन उदाहरण है जीवाणु में। जीवाणु में विभाजन विखंडन कैसा होता है बेटा? ऐसे जीवाणु सीधा दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक जीवाणु दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसको विखंडन कहते हैं अपन, बाइनरी फिजन कहते हैं इसको, ठीक है? विखंडन, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन है ये बेटा। इसके अपना आनुवंशिक पदार्थ था, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ आप जानते हो, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, सर्कुलर नेक्ड डीएनए बेटा ये, द्विकुंडलित वर्ताकार नग्न डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता इसके पास, इसलिए इसको बोला जाता है नेक्ड डीएनए। और ये डीएनए जब दो बनेगा तो सबसे पहले इसको डबल होना पड़ेगा, रेप्लिकेट होना पड़ेगा, अपनी दो प्रतिलिपियां बनानी पड़ेगी, दो कॉपीज बनानी पड़ेगी ताकि दोनों में डिवाइड कर पाए। तो विखंडन से, फिजन से जस्ट पहले इनका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है बेटा विखंडन से पहले, फिजन से पहले। अनुलेखन से कोई मतलब है नहीं बेटा, केंद्रिका के अंदर ये हो नहीं सकता, एस अवस्था के दौरान तो इधर होता है, ए माइटोसिस चल रहा है, जहां केंद्र का विभाजन भी प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट डिवीजन मिलता है बेटा न्यूक्लियस डिवीजन का। क्या? डायरेक्ट, एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है और दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड के दौरान ही डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है कि कोशिका जब तक फिजन करे, विखंडन करे, उससे पहले मुझे डबल होना है, इसलिए करेक्ट आंसर है कि विखंडन से पहले, फिजन से पहले जो होता है वो क्या हो जाता है मेरे भाई? डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है कि गोल्जी सम्मिश्र मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है ये। किसकी बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कैमलियन गोल्जी के नाम पे दिया गया, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में खोजा गया, वो कैमलियन गोल्जी बेटा जिसने दिन में नहीं रात में घूमने वाले जानवर को पकड़ा, बचाओ कि बेचारा वो नाइट को घूमता, उसको भी पकड़ लिया, उसकी न्यूरॉन में से गोल्जी बॉडी को डिस्कवर कर लिया। किसने बेटा? कैमलियन गोल्जी ने। कैमलियन गोल्जी, मैंने बताया था बेटा कि जो गोल्जी बॉडी है उसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, इसके पास होती है सिस्टर्नी, इसके पास होती है ट्यूब्यूल्स, इसके पास होती है बेटा वेसिकल्स। वेसिकल मतलब पुटिकाएं, पुटिका या आशय, दो वर्ड यूज कर सकते हो आप इसके लिए। वही पुटिकाएं बेटा जिनमें भरे होते हैं बहुत सारे पदार्थ, हो सकता है वो स्त्रावी पदार्थ हो सकता है वो डाइजेस्टिव मटेरियल हो, या कोई भी और पदार्थ हो, स्त्रावी पदार्थ भरे होते हैं बेटा पुटिकाओं में। तो अब क्वेश्चन आया है कि कौन गोल्जी बॉडी में इन्वॉल्व है, क्या जीवाणु का श्वसन होता है? भाई पहली बात तो आपने जीवाणुओं की करी है, इधर तो गोल्जी बॉडी होता ही इसलिए है ना बेटा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एकमात्र कोशिकांगे राइबोसोम जो यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है, तो गोल्जी बॉडी तो नहीं होगा, तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। अमीनो अम्ल कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्रोटीन बनाने से, क्या गोल्जी बॉडी प्रोटीन बनाता है? नहीं, तो
तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। स्त्रावी पुटिका है, हाँ ये कुछ सुना सा लग रहा है, अभी बताया ना मैंने कि ये क्या बनाता है, पुटिकाएं बनाता है जिनमें कुछ पदार्थ भरे होते हैं। तो क्या वो पदार्थ स्त्रावी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी हार्मोन स्त्राव करने में सहायक है, जड़ों के अंदर श्लेष्मा स्त्राव करने में सहायक है, तो हम आंसर स्त्रावी पुटिकाएं मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा थर्ड आंसर। एक और, क्या वसा अम्ल का अपघटन करेगा? यहां बात हो रहा है बेटा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, और वसा का बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है? या तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या होता है बेटा परोक्सीसोम के अंदर, और कहीं पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं मिलता, इसलिए अपन ये आंसर भी नहीं लगा सकते। आंसर तो बिल्कुल सही है, 3 नीट 2018 का क्वेश्चन था बेटा, गोल्जी बॉडी पे क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की लाइन है, स्त्रावी पुटिकाएं बनाने में काम आता है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीट 2018, वापस एक और क्वेश्चन है अपने पास, बोल रहा है कि निसल के पिंड किसके बने होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बॉटनी का पार्ट सेल बायोलॉजी और तंत्रिकाएं हम पढ़ते हैं एनिमल के अंदर, जूलॉजी के अंदर, तो जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर एक क्वेश्चन बना लिया निसल कर्ण। आप बोल रहे हैं सर आप जूलॉजी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो निसल के कण है ये मिलते हैं न्यूरॉन के अंदर। जब आप तंत्रिका की संरचना पढ़ते हो न्यूरॉन सिस्टम में, तो आपको पता होगा कि न्यूरॉन के अंदर एक छोटे छोटे कण मिलेंगे जिनको आप बोलेंगे निसल कण। ये निसल कण है बेटा, और ये निसल कण किसका रूपांतरण है? ये ईआर का रूपांतरण है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, कौन सी? आरईआर, आरईआर का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ आरईआर है। तंत्रिका के अंदर जो आरईआर होता है वो रूपांतरित होकर क्या बना लेता है? निसल कण बना लेता है। ध्यान रखना बेटा आरईआर, ये रहा हमारा आरईआर, और आपको पता है आरईआर के साथ बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, तो ये राइबोसोम और आरईआर मिलकर बना रहा है निसल कण। मॉडिफिकेशन ऑफ आरईआर जो है वो निसल कण है जो तंत्रिकाओं के अंदर पाया जाता है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर बनाया, अच्छा क्वेश्चन था कि निसल के कण एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है? ईआर का मॉडिफिकेशन है, आरईआर का मॉडिफिकेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि कौन एक असीम केंद्र की नहीं है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की में कंफ्यूजन आ जाता है। इंग्लिश मीडियम में तो प्रोक्यूरेट यूकेरियोट वेल डिफाइंड नेम है, बट असीम को क्या बोले? तो अ से मैंने बताया था बेटा कि अ से आप अल्प विकसित मान के चलो, लेस डेवलप, और आपको पता है जिसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है, आप उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोकैरियोटिक। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट में कौन होते हैं, यूकैरियोट में कौन होते हैं? तो आपको पता है बेटा आरएच वेटिकर ने जब पांच जगत प्रणाली दी थी, फाइव किंगडम सिस्टम जब बनाया था उन्होंने, तो पहला जगत उन्होंने कहा था मोनेरा, फर्स्ट किंगडम उन्होंने कहा था मोनेरा, और मोनेरा जगत के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा था। कौन आते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर? यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं वो पूरे आते हैं, ऑर्किबैक्टीरिया, ऑर्किबैक्टीरिया इसके अंदर आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया वो इसके अंदर आता है, रिकेट्सिया वो इसके अंदर आता है, माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। पांच नाम याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर सेकंड के फ्रंट पेज पे दिए हुए हैं कि पांच नाम प्रोकैरियोट है। कौन से पांच नाम? सबसे पहले यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, ये सब प्रोकैरियोट है। नॉस्टॉक एनाबिना आपने सुना होगा बेटा, नॉस्टॉक एनाबिना ये कौन है? ये है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है बेटा नॉस्टॉक एनाबिना, जो एजोला के साथ रहते हैं, याद है आपको। और ऑसिलोटेरिया भी एक शैवाल है, ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है, एक जैव उर्वरक है बेटा, जो एंटू फिक्सिंग कर सकती है फ्रीली, मुक्त रूप से एंटू फिक्सिंग करती है और प्लांट को फर्टाइल कैपेसिटी प्रोवाइड करती है बेटा, तो ये भी बीजी है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लोसिस, ये वो जीवाणु है जो टीबी या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी डिजीज करते हैं, तो ये भी तो जीवाणु है, तो ये जीवाणु हो गए, ये बीजीए हो गया, ये भी बीजीए हो गया, तो भाई ये तीनों तो कौन है? प्रोकैरियोट। ये रहा हमारा सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, अरे ये वही ईस्ट अल्कोहल बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला,
ताड़ी बनाने वाला ईस्ट, जिसको आपने ब्रीवर और बेकर ईस्ट नाम दिया था बायोटेक्नोलॉजी में। बेकर क्योंकि बेकरी में काम आता है, ब्रीवर क्योंकि बिवरेज बनाने में काम आता है। ये सैक्यूरोमाइसिस फंगस है मेरे भाई। कौन है ये फंगस? है ये कवक है, और कवक किस में आता है? कवक यूकेरियोट में आता है। तो हम आंसर लगा देंगे सैक्यूरोमाइसिस को, क्योंकि आपने यूकेरियोट के लिए पूछा है। कौन पूछा बेटा? यूकेरियोट के लिए पूछा है। यूकेरियोट में सैक्यूरोमाइसिस को अपन ले सकते थे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सही नहीं है? ये पूरी बात कर रहा है लाइसोसोम के लिए बेटा। तो लाइसोसोम का पहला दिया है कि झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। अरे याद करो बेटा, लाइसोसोम छोटे छोटे बैग जैसी संरचनाएं थी। लिखवाया था हमने कि स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्ड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, एक छोटी बैग जैसी संरचना जो इकाई कला से आवृत रहती है, उसको आप बोलते हैं लयन काय, लाइसोसोम। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है भाई। इधर दिया हुआ है कि लयन काय अंतःप्रद्रव्य में सम वेस्टर्न प्रक्रिया द्वारा बनता है। अरे मेरे भाई, सम वेस्टर्न प्रक्रिया एक तरह का पैकेजिंग है, पैकेजिंग करके इसको बनाया जाता है। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी बॉडी। हालांकि रॉ मटेरियल इसको ईआर देता है, लेकिन सम वेस्टर्न प्रक्रिया, ये जो पैकेजिंग वाली प्रक्रिया है, ये गोल्जी बॉडी करता है, न कि ये ईआर करता है। इसलिए हम सीधा सा आंसर लगा देंगे बेटा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर गोल्जी बॉडी होना चाहिए था, इन्होंने ईआर दिया है। ये गलत स्टेटमेंट है और गलत ही पूछा है, इसलिए आंसर क्या चला गया? सेकेंड आंसर करेक्ट चला गया। सॉल्व हो जाएगा बेटा। आपने कहा कि लाइसोसोम एकल झिल्ली से आवृत होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, एग्जैक्टली 50 प्रकार के अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। क्या वो एंजाइम पीएच 5 पर काम करते हैं, अम्लीय पीएच पर काम करते हैं? यस, लाइसोसोम के सभी एंजाइम पीएच 5 पर काम करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके बेटा, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमिनी सेल्ला ई सेल्ला सिद्धांत। वैसे तो ये बहुत फेमस है, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, तो ये एक वेल नोन क्वेश्चन है। लोग इसे रट के रखते हैं कि ओमिनी सेल्ला ई सेल्ला आते हैं, रुडोल्फ विर्चो आंसर लगा देना है। ये हमारे लिए भी इजी आंसर हो जाएगा कि भाई रुडोल्फ विर्चो लगा देना है। पर अपना टारगेट यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है बेटा, उसके पीछे कितने कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, ताकि उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर पाए। देखो 1838 और 39 में एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं हम सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी, इसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। आप लोगों को याद होगा स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ये स्लाइडेन वही जो बॉटनी से रिलेटेड थे, स्वान वही जो जूलॉजी से रिलेटेड थे। इन्होंने कहा कि भाई, स्लाइडेन ने कहा कि पादप कोशिकाएं, पादप जो है वो कोशिकाओं से बनते हैं, स्वान ने जंतुओं के लिए बात कही। उसी में एक परिवर्तन किया रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने एक परिवर्तन किया मेरे भाई। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि आप देखिए, उन्होंने कहा रुडोल्फ विर्चो ने कि जो न्यू सेल्स आपको जितनी भी दिख रही है, ये सब पुरानी सेल में, ओल्ड सेल्स में, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन के थ्रू बनती है, अपने आप नहीं बन सकती। हालांकि रुडोल्फ विर्चो ये नहीं बता पाएंगे कि वो पहली कोशिका कैसे आई। भाई आपको रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, मान लिया कि बनती है, तो पहली कोशिका तो कभी आई होगी। रुडोल्फ विर्चो को इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम है। इसको ओपेरॉन और हेल्डेन ने समझाया था बेटा, इवोल्यूशन में पढ़ते हैं हम लोग। ओपेरॉन हेल्डेन ने एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, उन्होंने बताया था कि एक कोशिका कैसे बनी पहली कोशिका। हाँ, उसके बाद कोशिकाएं कोशिकाओं से बनती गई, ये बात रुडोल्फ विर्चो की सही है। ओमिनीज मतलब होता है ओरिजिन, उत्पत्ति, सेलुला मतलब सेल, ई मतलब से और सेलुला मतलब सेल, कि कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है, सेल अराइज फ्रॉम सेल। ये बिल्कुल सही थ्योरी है बेटा, और ये किसकी थ्योरी है? रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपमध्य केंद्र के गुणसूत्र की छोटी और बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं? इसके लिए आपको गुणसूत्र मैंने पढ़ाए हुए बेटा, आपको मैंने बताया था कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गुणसूत्र बिल्कुल बीच में रहता है, इसको आप बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का हिंदी नाम है मध्य केंद्र की, एक जिसमें एक भुजा थोड़ी छोटी और एक बड़ा भुजा बड़ी होती है, जिसमें ए, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, हिंदी में उप मध्य केंद्र की। एक जिसमें छोटी भुजा बहुत छोटी होती है और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक।
अग्र केंद्र की और एक अंत केंद्र की होता है बेटा, जिसमें एक भुजा होती नहीं है। आपको पता है कि दो भुजा में एक P है और एक Q है, यहां तो किसी को भी लिख दो, पर यहां किसको लिखोगे, तो बड़ी भुजा को कहा गया Q और छोटी को कहा गया P। यह है Q, यह है P, यहां केवल Q होती है। अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बेटा सब मेटासेंट्रिक उपमध्य केंद्र की के बारे में। कौन है, ये है बड़ी भुजा, कौन है Q, छोटी भुजा कौन है P। पहले किसके बारे में पूछा, छोटी, तो पहले आना चाहिए P, बाद में किसके बारे में पूछा, बड़ी, तो बाद में आना चाहिए Q, P एंड Q। तो करेक्ट आंसर है बेटा 4, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये NCERT में नहीं है बेटा, आउट ऑफ NCERT आप इस क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हो, पर आउट ऑफ NCERT एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला नीट 2019 में। NCERT के अंदर P Q का कोई जिक्र नहीं है, ये बाहर से क्वेश्चन था, पर मस्ट है कि हमें आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन में इसको मेजर करता हूं, मानता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने सही क्रम पूछा है, करेक्ट सिक्वेंस पूछा है ऑफ स्टेज ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र आपको मैंने पढ़ाया हुआ था बेटा कि एक कोशिका चक्र होता है, इसमें ऑलमोस्ट 50% टाइम, ऑलमोस्ट 50% टाइम जीवन खा जाता है, फिर एस का नंबर आता है, फिर जी टू का नंबर आता है, फिर आता है एम का। जीवन के बाद बहुत सारी सेल्स इस कोशिका चक्र को छोड़ जाती है, एग्जिट कर जाती है, जिसको जी जीरो अवस्था कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं बेटा, केवल करेक्ट सिक्वेंस पूछा है, पहले को अपन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट शुरुआत कहां से बेटा, एस से, एस के बाद जीवन, नहीं ये तो गलत हो गया, एस के बाद तो जी टू आना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट हो गया, यहां आप इसको छोड़ दोगे। सेकंड क्वेश्चन, क्या जीवन है, यस, जीवन के बाद, यस, फिर जी टू करेक्ट है, और फिर एम, ये करेक्ट आंसर है, और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बेटा, तीसरे ऑप्शन को देख लो, एम, क्या एम के बाद जीवन है, हाँ जी, फिर उसके बाद जी टू, गलत, एस आना चाहिए, तो ये भी गलत, जीवन के बाद जी टू, गलत, एस आना चाहिए जीवन जी टू के बीच में, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बेटा, हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड आंसर, नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटा, इसका जो सही आंसर है वो हमारा सेकंड आंसर है। ओके, चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। ये तो कोशिका चक्र आ गया हमारे समझ में, जीवन एस जी टू एम, मैं आपको यहां बता भी देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, सबसे बड़ी अवस्था है जीवन, जीवन इज अ लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबी अवस्था, लॉन्गेस्ट फेज, सबसे छोटी हमने कहा शॉर्टेस्ट फेज, अगर हमने किसी को कहा एम, बेटा एम के अंदर भी सबसे बड़ी सबसे लंबी प्रोफेज को मानेंगे, और सबसे छोटी है ना फेज। कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर लगा दोगे, क्रम आपको पता है, बड़ी छोटी भुजा याद है, एम के अंदर प्रोफेज सबसे बड़ी, एम के अंदर सबसे छोटी कौन है बेटा, एम के अंदर सबसे छोटी है ए, एनाफेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास की बात, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो अपना है जी जीरो अवस्था, किसके अपन बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं जी जीरो अवस्था की, जी जीरो फेज की। अभी मैंने आपको एक कोशिका चक्र बना के दिया था कि कोशिकाएं एक मायावी जाल में घूमती रहती है, जिसको आप जीवन, एस, जी टू और एम बोलते हैं, एम के बाद फिर जीवन आएगा, फिर एस, फिर जी टू, फिर एम, फिर जीवन, फिर जी टू, ये एक चक्र है जिसमें कोशिकाएं दौड़ती है, अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद इस चक्र को छोड़कर बाहर चली जाती है, विभाजन रुक जाता है, बाकी काम चल रहे होते हैं, उपापचय रूप से वो कोशिका सक्रिय होती है लेकिन विभाजन नहीं कर रही होती है, चक्र को छोड़ के चली जाती है, उसे बोलते हैं जी जीरो अवस्था। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेटा कि छोटे भ्रूण का हृदय छोटा है, एक एम्ब्रियो के अंदर हार्ट साइज बहुत छोटी है, लेकिन जब वो एम्ब्रियो एडल्ट में बदल रहा है तो हार्ट भी बड़ा होता जा रहा है। वो पहले 100 ग्राम का हुआ, 100 ग्राम, फिर 150, फिर 200, फिर 250, 270, 280, 300, मैक्सिमम 300। जब उसने अपनी एक्चुअल साइज को अचीव कर लिया, अपनी वास्तविक संरचना को, वास्तविक भार को प्राप्त कर लिया, उसके बाद हृदय की कोशिकाएं जी जीरो अवस्था में चली जाती है, विभाजन करना बंद कर देती है। क्या इसका मतलब हृदय की कोशिकाएं मर गई? नहीं। क्या निष्क्रिय हो गई? नहीं। वो उपापचय रूप से सक्रिय है, वो मोस्ट एक्टिव सेल्स हैं, पर वो डिवीजन नहीं कर रही है, क्योंकि वो जी जीरो अवस्था में चलेगी, क्योंकि वो कोशिका चक्र को छोड़ चुकी है। कोशिका चक्र को क्या कर चुकी बेटा? वो छोड़ चुकी है, वो विभाजन नहीं कर रही है, यही अवस्था जी जीरो अवस्था है। नीट 2019 का क्वेश्चन है कि जी जीरो अवस्था में क्या होता है, क्या वो स्थगित कर देती है, क्या सस्पेंड कर देती है कोशिका चक्र को? नहीं भाई, कोशिका चक्र तो अपनी जगह चल रहा है, वो तो उससे बाहर निकली थी बस। क्या वो समाप्त कर देती? नहीं, चल रहा होता है, बाहर निकलती है। क्या वो बाहर निकल जाती? यस, कोशिका चक्र को छोड़कर बाहर निकल जाती है सेल, इसी को आप जी जीरो अवस्था बोलते हैं बेटा। नीट 2021 के अंदर भी क्वेश्चन था इसका,
ध्यान रखना नीट 2021 में क्या क्वेश्चन था कि जीव जीरो अवस्था किसके बाद आती है, और आंसर करेक्ट किया जीवन के बाद। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन तो था बेटा, लेकिन एनसीईआरटी का जो डायग्राम था उस समय उस एनसीईआरटी के अंदर वो गलत था। उसमें क्या कर रखा था बेटा, एम के बाद जी जीरो को शो कर रखा था। बड़ा लोगों को कंफ्यूजन हुआ, जिन बच्चों ने डायग्राम के बेस पर आंसर लगाया वो सब एम फेज के बाद लगा के आ गए, और थ्योरी में लिखा हुआ था कि इट कम आफ्टर जीवन फेज। तो इसका मतलब थ्योरी वाला सही था कि जीवन के बाद जी जीरो आती है। जिन्होंने थ्योरी पढ़ के लगाया उनका सही था, जिन्होंने डायग्राम देख के लगाया उनका गलत था। ये आप 2021 की नीट के पेपर में ये को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, डायग्राम बेस्ड कंफ्यूजन। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, अंतर्विष्ट कार्य, कार्य नहीं बेटा ये काय, बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं बेटा, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज है। आप बोलेंगे सर इंक्लूजन बॉडीज क्या है, आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट में संचित भोजन के कण है। संचित भोजन के कण जो एकल झिल्ली द्वारा आवृत रहते हैं बेटा, एकल झिल्ली से आवृत भोजन के कण है। एक एक झिल्ली इनके पास मिलेगी, तीन तरह के कण होते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बेटा। एक साइनोफाइसियन कण होते हैं, साइनोफाइसियन युक्त कण होते हैं। एक ग्लाइकोजन भरा रहता है तो ग्लाइकोजन के कण होते हैं, ग्लाइकोजन, और एक फॉस्फेट कण होता है। तीन तरह के संचित भोजन के कण मिलते हैं प्रोकैरियोट में, जिनको संयुक्त रूप से इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, अंतर्विष्ट पिंड बोलते हैं। साइनोफाइसियन कण, ग्लाइकोजन कण एंड फॉस्फेट कण, ठीक है। अब आप इनके बारे में सब पढ़ चुके हो, तो आओ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इंक्लूजन बॉडीज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है फॉर इंक्लूजन बॉडीज, कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या ये स्वतंत्र कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होते हैं? एग्जैक्टली आपको मैंने डायग्राम बनवाया था प्रोकैरियोट का, आपने देखा था कि नीचे की तरफ मैंने डायग्राम में शो किया हुआ था, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, किसी अंदर कोशिकांग में नहीं होते, फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, गलत पूछा अपन को तो गलत फाइंड आउट करना है। क्या कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं? एग्जैक्टली संचित पदार्थ के ही तो कण होते हैं, संचित भोजन के कण तो होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्या किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते? गलत, एकल झिल्ली द्वारा आवृत कण है भाई, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एकल झिल्ली होती है। तो हमारे पास आंसर हो गया बेटा कौन, झिल्ली से घिरी नहीं होती, ये गलत है। खाद्य कणों के अंतःकरण में शामिल है, बिल्कुल एग्जैक्टली उनमें तो है ही है, तो हमारा किसी झिल्ली से घिरी नहीं होते, ये गलत आंसर था, गलत स्टेटमेंट था, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि स्नैप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है, किसका बेटा, स्नैप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है। स्नैप्टोनिमल सम्मिश्र, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको डिवीजन में जाना पड़ेगा। मैंने डिवीजन में आपको एक स्टेज लिखाई थी बेटा, आपको पता होगा जाइगोटीन, याद है आपको जाइगोटीन फेज, युग्मपट अवस्था, आपको मैंने बताया था कि ये कोशिका है, ये तारक केंद्र है जो विपरीत ध्रुवों पर है, ये केंद्रक झिल्ली है, और सभी समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आ जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। लेकिन क्या गुणसूत्र अपने आप जुड़ जाएंगे? नहीं, इनको एक प्रोटीन और लिपिड की परत आपस में जोड़ती है, एक प्रोटीन और एक लिपिड की परत इन गुणसूत्रों को आपस में जोड़ती है। ये बीच में जो रेड कलर में बना रहा हूं बेटा, ये प्रोटीन लिपिड की लेयर है, और इस प्रोटीन लिपिड की लेयर को बोलते हैं स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, स्नैप्टोनिमल सम्मिश्र, स्नैप्टोनिमल सम्मिश्र बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यही दो गुणसूत्रों को आपस में जोड़ता है, और ये डिप्लोटीन अवस्था में जाकर घुल जाता है, डिप्लोटीन अवस्था में जाकर घुल जाता है, तो गुणसूत्र वापस अलग हो जाते हैं। तो दो गुणसूत्रों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन और लिपिड की परत कौन है बेटा? स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। यही पूछ रहा है कि विघटन कब होगा? देखो मैंने बात कही कि स्नैप्टोनिमल बना कब? जाइगोटीन में, युग्मपट में, लेकिन विघटन कब हुआ, घुल कब गई? द्विपट में, तभी तो गुणसूत्र अलग हुए। तो द्विपट अवस्था डिप्लोटीन फेज में स्नैप्टोनिमल सम्मिश्र जो कि प्रोटीन और वसा की परत है वो डिजोल्व हो जाती है, इस तरह से वो घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, नीट 2021 का क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? याद करो बेटा, ये रहा गुणसूत्र, ये है गुणसूत्र, ये इधर से काइनेटोकोर डिस्क, दोनों तरफ से जुड़ी हुई है बेटा, कौन, दोनों तरफ से जुड़े हुए तर्कु तंतु से, अचानक समसूत्री विभाजन की एना फेज में यह विभाजन हो जाता है, और गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हुआ तो अर्ध गुणसूत्र को खींच के ये वाला तर्कुतंतु ऊपर ले गया, और नीचे वाले को ये वाला तर्कुतंतु ले गया। ये कब मैंने बोला?
एनाफेज, किसकी एनाफेज? समसूत्री विभाजन की एनाफेज में ऐसा होता है। किसमें बेटा? समसूत्री की एनाफेज में। लेकिन क्या अर्धसूत्री फर्स्ट, क्या मियोसिस फर्स्ट में, जो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज को आप बेटा एनाफेज फर्स्ट बोल देते हैं, क्या इसमें गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? नहीं, तभी तो गुणसूत्रों की संख्या आधी मानी जाती है एनाफेज फर्स्ट में। और एक होता है बेटा एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड कब होता है? एनाफेज सेकंड होता है मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस सेकंड में एनाफेज सेकंड हो रहा है, क्या एनाफेज सेकंड और एनाफेज एक जैसी है? यस, देखो आओ आंसर चेक करते हैं। ये अंत्य अवस्था, अंत्य का मतलब है टीलोफेज। क्या टीलो का कोई रिलेशन है? नो। क्या मेटाफेज का रिलेशन है? नो। क्या मेटाफेज का रिलेशन है? नो। क्या एनाफेज मतलब फर्स्ट अवस्था, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एनाफेज। क्या इसका रिलेशन है? यस। और एनाफेज सेकंड में होता है क्या? हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या है? फोर। फोर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बेटा। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब ये क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा कि अगर बीचों बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा साइड में है तो उपमध्य केंद्र की सब मेटासेंट्रिक, बहुत ऊपर है तो एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट में तो टीलोसेंट्रिक। ये बोल रहा है कि बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, ये रहा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य केंद्र की। करेक्ट आंसर कौन है बेटा? करेक्ट आंसर है सेकंड, मध्य केंद्र की। कि जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। पी और क्यू भुजा के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था। चलो आगे चलते हैं। नीट 2021 जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन थे बेटा। अर्धसूत्री पूर्व अवस्था की कौन सी प्रावस्था का विशेष लक्षण काइज़मेटा का उपांति भवन है? एक शब्द आया काइज़मेटा, मैं आप लोगों को समझाता हूं बेटा। जब डिप्लोटीन चल रहा होता है तो गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुणसूत्र कुछ जगह पर, गुणसूत्र कुछ जगह पर जुड़ा होता है। मान लीजिए कि ये गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है। इन गुणसूत्र क्या है बेटा? आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये दूर जाना चाह रहे हैं, तो जब ये दूर जाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि एक जगह से जोड़ा था मैंने इनको, तो ये एक्स जैसे दिखाई देते हैं। मतलब ये गुणसूत्र एक दूसरे पर कुंडलित हो चुके हैं, लिपट चुके हैं, कॉइल्ड हो चुके हैं, और यहां से ये दोनों को मैंने जोड़ दिया है, चिपका दिया है, और अब ये दूर जाना चाह रहे हैं। तो आप जब ये दूर जाना चाहेंगे बेटा तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसे दिखाई देंगे। ये गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र यहां चिपका हुआ है, दूर जाना चाह रहा है पर दूर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आपस में चिपके हुए थे दोनों। तो ये आपस में चिपके हुए थे तो ये देखो एक्स जैसा दिखाई दे रहा है। इसी एक्स जैसी संरचना को बोलते हैं काइज़मेटा, इट्स कॉल्ड काइज़मेटा। और डिप्लोटीन के बाद जब डाइकाइनेसिस अवस्था आती है, डिप्लोटीन के बाद जब डाइकाइनेसिस अवस्था आती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, इन दोनों का युग्मन खत्म हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं बेटा काइज़मेटा का उपांति भवन। उपांति भवन मतलब टर्मिनाइजेशन, टर्मिनाइजेशन का मतलब टर्मिनेट हो जाना, अलग हो जाना, एक दूसरे से दूर चले जाना। तो ये कब आंसर है? डाइकाइनेसिस में होगा। क्वेश्चन आता है कि कब बनता है, तो आंसर होता हमारा कि भाई ये डिप्लोटीन में बनता है। कब जा रहा है, कब खत्म हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डाइकाइनेसिस। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि डाइकाइनेसिस में खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फल मक्की की प्रत्येक कोशिका में, फल मक्की की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। फल मक्खी मतलब बेटा ड्रोसोफिला। क्या है मेरे भाई? ड्रोसोफिला। गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, 2n बराबर 8। बोल रहा है कि जीवन, आपको पता है जीवन के बाद ये s, s के बाद क्या आता है? G2। वो बोल रहा है कि जीवन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बेटा? 8। वो बोल रहा है कि जीवन की 8 है, तो s अवस्था के बाद क्या होगा? वो एक्चुअल में आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपने एस अवस्था में पढ़ा था कि एस अवस्था में डीएनए डबल है ना बेटा, आपने पढ़ा था कि एस अवस्था में क्रोमेटीन धागे डबल, और आप ये पढ़ते हो कि यही क्रोमेटीन धागे क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। तो आपको ऐसा लगता है अरे क्रोमेटीन डबल तो गुणसूत्र भी डबल, आंसर लगाएंगे 16। लेकिन भाई मैंने स्पेशली तुम्हें मेंशन किया था कि इस अवस्था में डीएनए डबल, क्रोमेटीन डबल, तारक केंद्र डबल, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, लेकिन गुणसूत्र डबल नहीं होंगे रे मेरे भाई। वैसे भी दो रीजन बता सकते हैं कि एक तो गुणसूत्र बिंदु डबल नहीं है, और गुणसूत्रों का डबल होना पूरी तरह से निर्भर करता है गुणसूत्र बिंदु। दूसरी बात,
गुणसूत्र बनेंगे भी तो कब बनेंगे? प्रोफेज अवस्था में बनेंगे। प्रोफेज क्या आ गई क्या? नहीं आई ना, तो हम इस अवस्था में इसको आंसर नहीं लगा सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगा, गुणसूत्रों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज रिमेन सेम आफ्टर एस फेज और जी वन फेज और जी टू फेज। तीनों फेजेस में गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, गुणसूत्रों की संख्या यही रहने वाली है। फिर मैं बोल देता हूं जीवन एस जी टू गुणसूत्रों की संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डीएनए भले डबल हो जाए, क्रोमेटिन भले डबल हो जाए, आरएनए भले डबल हो जाए, क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नीट 2021 का ही क्वेश्चन है बेटा कि अंतः झिल्लिका तंत्र में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एनसीईआरटी से उठाया है बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी में है ये। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब अंतः झिल्लिका तंत्र, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अंतः झिल्लिका तंत्र। क्या कहा गया? कहा गया कि सभी कोशिकांग, सभी ऑर्गेनिल एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके काम करते हैं और वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं। उसी सिस्टम को आप क्या बोलते हो बेटा? उसी सिस्टम को आप बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब बेटा जितने भी कोशिकांग हैं सब मिलकर काम करते हैं। बाद में एक्सेप्शनली बोला गया कि तीन ऑर्गेनेल इस सिस्टम में नहीं आ पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अपना ध्यान खुद रख सकता है, क्लोरोप्लास्ट अपना ध्यान खुद रख सकता है, क्लियर बेटा, पेरोक्सिसोम ये अपना ध्यान रख सकता है, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बेटा। तो आपने कहा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है बेटा वो कौन है? सभी ऑर्गेनिल, सभी कोशिकांग मिलकर काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं, और जो काम नहीं करते वो ये तीन है। ये बोल रहा है कि कौन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा? गोल्जी समिश, यस। ईआर, यस। माइटोकॉन्ड्रिया, नो। अंतःप्रतिवी जालिका, यस। सूत्रकर्णिका, नो। अंतःप्रतिवी जालिका, यस। गोल्जी, यस। लाइसोसोम, यस। वैक्यूल, रजधानी, रिक्तिका, यस। सूत्रकर्णिका, नो। द करेक्ट आंसर इज थ्री, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नीट 2021 का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीधा टिक कर देंगे हम। चलो अब चलते हैं हम नीट 2021 के एक और क्वेश्चन के पास। चार पांच क्वेश्चन थे, पूरे हमने कर दिया। तारक केंद्र, ये तारक कौन केंद्र कौन है भाई? ये सेंट्रियोल है, वही सेंट्रियोल जो सूक्ष्म नलिकाओं से बनता है। 9+0 संरचना दिखाता है, जिसको आप कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हो, कार्ट व्हील संरचना भी बोलते हो। वही कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, वही 9+0 स्ट्रक्चर, वही तारक केंद्र के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि डबल कब होता है? मैंने बताया था बेटा एस में डीएनए डबल होगा, लिखवाया था मैंने, क्रोमेटिन डबल होंगे, गुणसूत्र डबल नहीं होंगे, ये भी मेंशन करवाया था, और मैंने कहा था कि एक स्टोन प्रोटीन जो है वो यहां सिंथेसिस होती है, और मैंने लिखा है कि जब पश्च एस अवस्था आती है, मतलब जब एस अवस्था खत्म होने वाली होती है, लास्ट जब चल रहा होता है, लेट एस फेज अवस्था होती है, तो तारक केंद्र प्रतिकृतिकरण हो जाता है। तारक केंद्र वैसे भी स्वप्रतिकृति इकाई है, तो तारक केंद्र डबल हो जाएंगे, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज सेकंड। तारक केंद्र क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इसको आप बोलते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है बेटा? एस फेज इसका करेक्ट आंसर है। ये नीट के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 2017 से 2021 के कलेक्ट किए हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आते रहेंगे नए नए क्वेश्चन लेके, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और नीट इजिली क्वालिफाई कर पाए। ओके बेटा, चलो थैंक यू।